हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की मार्केट की बड़ी गिरावट से रिलेटेड। आप लोगों को एक सच बात भी बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को ये पता तक नहीं है कि मार्केट भी आज बहुत ज़बरदस्त क्रैश हो चुका है, क्योंकि आप सभी लोग देखेंगे मीडिया में एक ही न्यूज़ छाई हुई है एंड वो है येस बैंक से रिलेटेड। सो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर हम लोग निफ्टी को देखेंगे आज लगभग निफ्टी 450 पॉइंट तक लगभग क्रैश हो चुका था, बाद में थोड़ा बहुत रिकवर किया, बट ओवरऑल जो इम्पैक्ट है आप देख सकते हो लगभग 2.5% की गिरावट है। 11,000 का मेजर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिए, जो कि एक चिंता वाला विषय है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग सेंसेक्स की बात, 1,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, सुबह अगर आप देखोगे 1,100-1,300 पॉइंट, इतना जबरदस्त यहां पे हम लोगों को सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिली थी। एंड जो नेट गिरावट है, मतलब हम लोग कह सकते हैं रिकवरी बाद में देखने को मिली, एंड यहां पे हम लोगों को देखने को मिली 900 पॉइंट्स की गिरावट। लगभग यहां पे भी 2-2.5% के बीच में हम लोगों को गिरावट सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है। सो प्रॉब्लम यह हो चुका है कि बहुत सारे लोगों का फोकस जो होता है वो मीडिया के जो न्यूज चलती है उसी से रिलेटेड होता है, जो कि येस बैंक से रिलेटेड है। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर का जो ध्यान है वो डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। बाजार में क्या सिचुएशन है उसके ऊपर भी आप लोगों का नज़र ज़रूर रहना चाहिए, इवन दो आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर रहे या ना रहे। तो इस वीडियो का मकसद ही यही है कि यहाँ पे हम लोग कुछ रीजंस देखेंगे जिसके वजह से ये बाज़ार कंसिस्टेंटली नीचे आ रहे हैं, एंड उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ डिस्कशन भी ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं रीज़न की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि बाज़ार नीचे तो जा रहा है एंड इसके ऊपर किसी का कंट्रोल है नहीं। मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो फॉरेन मार्केट्स है वो भी नीचे जा रहे हैं, बट अगर हम लोग कहें ये गिरावट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो फॉरेन निवेशक है, जिसको हम लोग FIIs बोलते हैं, वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे माल बेचे चले जा रहे एंड इसके वजह से हमारा जो बाज़ार है वो कमज़ोर होते चला जा रहा है। सो फॉरेन निवेशक, आप सभी लोगों को पता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निवेशक होते हैं, एंड उनका बाज़ार से एग्जिट हो जाना ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी कंट्रीज़ के भी बात करो, एंड यही प्रॉब्लम अगर हम लोग देखते हैं ये इंडिया में फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर है जिसको हम लोग FIIs बोलते हैं, हैव बीन विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन इंडिया इन अ ह्यूज फॉर्थ, मतलब बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मनी निकाला जा चुका है, हम लोग इसको ऐसा देख सकते हैं। अगर 14 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम लोग बात करें, सो FIIs मतलब फॉरेन निवेशक ने यहाँ पे विदड्रॉ किया लगभग 18,500 करोड़ के आसपास, रफली फिगर बोल रहा हूँ, 18,500 करोड़ के आसपास इंडियन मार्केट से फॉरेन निवेशक ने यहाँ पे निकाल दिया है, जो कि बहुत 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 बुरी वाली चीज़ है। दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं ये अच्छी बात नहीं है, इवन दो हम लोगों को फेडरल जो रिजर्व है, अमेरिकन की जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उन्होंने फेड ने जो इंटरेस्ट रेट में कटौती की थी, इतनी मैसिव कटौती हो जाने के बाद हम लोग देख सकते हैं ये जो गिरावट है वो अभी तक यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि फॉरेन निवेशक की फिलहाल की जो स्टैंड है वो क्या है, क्या बाज़ार में वो पैसा डाल रहे या पैसा वो निकाल रहे हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड वापस मैं आप लोगों को ये कैटेगरी दिखाना चाहता हूँ फॉरेन निवेशक FIIs FPS की, एंड डेट भी आप देख सकते हो 6 मार्च 2020 का ये डेटा है। अगर हम लोग देखें तो बाय उन्होंने किया है लगभग 6,745 करोड़ का माल, आप यहाँ पे देख सकते हैं रुपीज़ इन करोड़, बट येस उन्होंने सेल किया है 10,340 करोड़ का माल। सो सेल ज़्यादा है बाय करने से रिलेटेड, एंड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आज के दिन भी हम लोगों को इसमें 3,500 करोड़ मार्केट से जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड ये कंसिस्टेंटली अभी तक चालू है, एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है जिसके वजह से मार्केट यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें DIIs की, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते जो कि इंडियन मार्केट में जो रहते वो यहाँ पे जम के बाइंग कर रहे, यहाँ पे 2,500 करोड़ तक की बाइंग, नेट बाइंग यहाँ पे DIIs कंसिस्टेंटली करते जा रहे, बट प्रॉब्लम यही है कि फॉरेन निवेशक अगर ऐसे कंसिस्टेंटली एग्जिट लेते रहेंगे तो येस ये मार्केट उतना ही नीचे जा सकता है। सो यही चीज़ें सबसे पहली एंड बड़ी वजह, जो कि फॉरेन निवेशक अपना जो स्टेक है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे मार्केट से निकालते चले जा रहे। अभी तक के जो न्यूज़ के हिसाब से 18,300 करोड़ से ज़्यादा माल वो इंडियन मार्केट से निकाल चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं कि सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। हालांकि ये सबसे पहली न्यूज़ होनी चाहिए कि इसके पीछे की वजह एक ही है, जो कि हम लोगों को रीजंस देखने को मिल रहे गिरावट वाले, कोरोना वायरस। आप सभी लोगों को पता है, अगर हम लोग एशिया पैसिफिक की अगर हम लोग बात करें तो $211 बिलियन यहाँ पे निकाल चुके हैं, वाइप आउट हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइप आउट हो चुके हैं कम्प्लीटली, इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे एशिया पैकेजिंग से जा चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग ये बात करें तो ये आप सभी लोगों को पता है बहुत ही सीरियस थ्रेट अभी भी चल रहा है, मोर देन 95,000 पीपल्स अभी भी हम लोग कह सकते हैं इससे इन्फेक्टेड है। एंड अगर हम लोग बात करें चाइना से रिलेटेड डेथ की, तो यहाँ पे 3,000 तक ये नंबर
जा चुका है। बट ये सबसे बड़ा थ्रेट इसलिए बन चुका है कि चाइना तो पहले इन्फेक्टेड था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मार्केट इतना क्रैश नहीं हो रहा था, बट चाइना के बाहर ये जैसे ही गया, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इटली के साथ ही हम लोग कह सकते ईरान, ये दो कंट्रीज ऐसे जिनमें सबसे ज़्यादा हम लोग को डेथ देखने को मिल रही है एंड कोरोना वायरस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा है। इंडिया में भी अगर हम लोगों ने देखते जितने केसेस हम लोगों को देखने को मिले उसमें से मैक्सिमम केस ये इटली एंड ईरान से ही हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में एज सच हम लोगों को कोई भी इंडिविजुअल खुद के वजह से यहाँ पे इन्फेक्टेड देखने को नहीं मिला है। सो इटली एंड ईरान में यहाँ पे बहुत ही सिचुएशन, जो डेथ का रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा है एंड ईरान में सबसे ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उनके बड़े बड़े मंत्रीज को भी, बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी ये कोरोना वायरस हो चुका है। इंडिया ने उसी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े कंट्रीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिसाइड किया है कि ईरान को इसमें संकट से बाहर निकालने के लिए हर एक कंट्री मदद करे। इंडिया ने भी अपने वहाँ पे मेडिकल्स की टीम वहाँ पे भेजी है एंड उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान हम लोगों को अगर कोऑपरेट करता है तो हम लोग ज़रूर उनको मदद कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बड़ी ग्लोबली एक चिंता वाली विषय बन चुका है जो कि हम लोग देख सकते हैं एंड इसके वजह से ये कंसिस्टेंटली मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो गिरावट है उसके पीछे की वजह कोरोना वायरस है एंड उसने अभी तक वाइपआउट कर चुका है $211 बिलियन, इतना निकाल चुके हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं एंड ये सिर्फ इस ईयर का डेटा है एंड ये और भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली चालू है, ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा कि ये स्थिति नॉर्मल हो रही है। सो इसी के वजह से हम लोग कह सकते हैं ये एक्सटर्नल इशू बहुत बड़ी है एंड ये इसके कारण हम लोगों को मार्केट नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग थर्ड रीज़न की बात करें तो वो भी उसी से रिलेटेड है कि इंटर ग्लोबल मार्केट यहाँ पे बुरी तरीके से हिट हो रहा है। हम लोग हर एक चीज़ देख सकते हैं, जापान का स्टॉक मार्केट हो, सिंगापुर का स्टॉक मार्केट हो, जर्मनी का डैक्स हो, या फिर यूएस मार्केट की बात करें, नैसडैक की बात करें, DJI की बात करें, डो जोन्स की बात करें, हर एक मार्केट, कोई भी मार्केट हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, सारे मार्केट हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। कोई भी मार्केट, न्यूजीलैंड का भी मार्केट अगर आप देखोगे तो हम लोग को वो नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट डाउन है, हम लोग को हर एक मार्केट, हम लोग कह सकते हैं ये देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी यहाँ पे डाउन हो चुका है। हर एक पैरामीटर अगर आप किसी भी कंट्री का यहाँ पे उठा के देख लोगे तो आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलेंगी, लोअर डाउन डाउन, मतलब सारी चीज़ें हम लोगों को चार्ट पैटर्न में नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। कल की भी अगर हम लोग DJI की बात करें, अमेरिकन बाजार का बहुत ही पॉपुलर पुराना इंडेक्स, वो भी हम लोगों को डो जोन्स कंपनी हम लोगों को नीचे क्रैश होते हुए देखने को मिला था। सो ये बहुत ही चिंता का विषय है जिसके वजह से ये बाजार प्रेशर में आ रहा है एंड यस, पूरा ग्लोबल मार्केट अगर क्रैश हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें इंडियन मार्केट भी कोई छूटा हुआ नहीं है। सो ये बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, इतने रीज़न देखने के बाद अभी आ जाते हैं चौथे रीज़न के ऊपर, येस बैंक के ऊपर। येस दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ येस बैंक यहाँ पे नीचे जा चुका है तो ऐसा नहीं है। येस बैंक तो नीचे गया है बट वो इतना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर चुका है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। येस बैंक की वजह से हम लोगों को सुबह बैंक निफ्टी इतना क्रैश होते हुए देखने को मिला, कि फाइनेंस मिनिस्टर, उसी के साथ साथ हमारी सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि ये जो चीज़ें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ येस बैंक में हो रही है, बाकी किसी भी बैंक में प्रेशर होने की ज़रूरत नहीं है। बट आप सभी लोगों को पता है मार्केट में जो रियल रीज़न होता है गिरावट का, वो अगर 10% रहेगा बट बाकी का 90% गिरावट होता है वो प्रेशर के कारण होता है एंड यही आज भी हम लोगों को देखने को मिला। बैंक निफ्टी बहुत ही ज़ोरदार हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिला एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि येस बैंक में इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई उसी से रिलेटेड। सो येस बैंक तो आज आप लोगों ने देख लिया किस से यहाँ पे टूट चुका है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आ चुके हैं। अलग से वीडियो मैंने तो ऑलरेडी येस बैंक से रिलेटेड बना दिया है, अभी तक आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बट RBI ने ये भी कहा है, एडवाइस किया है कि आप लोगों ने कोई भी यहाँ पे पैनिक नहीं करना चाहिए, जो डिपॉजिटर्स है वो बहुत ही सेफ है बट येस पैसा मिलने के लिए उन लोगों का थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि वो प्रोसीजर्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी, अगर हम लोग बात करें आज के दिन की, बैंक निफ्टी लगभग 3.5% हम लोग को डाउन देखने को मिला, बाकी के भी इंडेक्सेस हम लोगों को डाउन ही देखने को मिले, कोई भी इंडेक्स यहाँ पे बचा हुआ है नहीं, पूरा बाजारी प्रेशर में है, पूरे वर्ल्ड की बाजारी इकोनॉमी प्रेशर में, तो हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो PSU बैंक भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में, टेंशन में आ चुका है, 5% से ज़्यादा PSU बैंक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। प्राइवेट बैंक में भी अगर आप देखोगे 3.75% तक की गिरावट। सो बैंकिंग सेक्टर आज बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहा एंड उसका सबसे मेन रीज़न हम लोग कह सकते हैं येस बैंक। अगर आप निफ्टी बैंक भी चेकआउट करोगे जहाँ पे 12 शेयर आते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। शेयर के नाम के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, अगर आप देखोगे सारे के सारे हम लोगों को लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं एंड वही एक चिंता का विषय बना
गिरा हुआ है। सो येस बैंक भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रैश हुआ, उसी के साथ साथ RBL बैंक में भी हम लोगों को लगभग 13 से 14% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सो इसी के कारण हम लोग कह सकते कि पूरे बाज़ार में ऐसा प्रेशर बना हुआ था। और दोस्तों अगर मार्केट की गिरावट की आखिरी वजह बताई जाए तो निफ्टी 50 आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ अगर हम लोग यहाँ पे बताएं तो गिन के 5 शेयर हम लोगों को हरे निशान में देखने को मिल रहे थे, जिसमें हम लोग कह सकते हैं बजाज ऑटो है, गेल है, मारुति है, एशियन पेंट है एंड आइशर मोटर, ये सिर्फ 5 शेयर हम लोगों को यहाँ पे हरे निशान में देखने को मिल रहे थे। रिमेनिंग एंटायर 45 शेयर्स में हम लोगों को लाल निशान देखने को मिल रहा था, जो कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि कैसे बाजार यहाँ पे कंसिस्टेंटली क्रैश हो रहा है। एंड जो हम लोगों को जो हरे निशान में शेयर्स देखने को मिल रहे हैं उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है निफ्टी में वो बहुत ही कंपेरेटिवली लो है, जो कि गिरने वाले शेयर्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रीब्यूट जो करते हैं निफ्टी में वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड इसीलिए हम लोगों को ये टोटली अगर हम लोग ये सारे रीजंस को अगर कलेक्टिवली देखें तो आज के दिन भी हम लोगों को सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा क्रैश होते हुए देखने को मिला था, बाद में वो नेट गिरावट 800-850 पॉइंट्स तक आके रुक चुकी थी। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली है। आप लोगों को पता है अगर स्टॉक मार्केट में एक्टिवली काम करना है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को ये रीजंस बता दिए, 4 से 5 रीजन मैंने आपके सामने बता दिए कि क्यों मार्केट यहाँ पे प्रेशर में है एंड उसी के वजह से ये गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। वीडियो को क्लोज करने से पहले वापस याद दिलाना चाहता हूँ, ये सिर्फ हमारे मार्केट में चीज़ें नहीं चल रही है, ये दुनिया की किसी भी मार्केट में अगर आप उठा के देख लेना यही सिचुएशन हम लोगों को कंसिस्टेंटली रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।